देखिए आप खुद ही पढ़ लो, ये बुफेलो का कुछ है, मुझे भी नहीं पता इतना, क्योंकि मैं वैसे चंडीगढ़ में रह के फर्स्ट टाइम आई हूँ। और ये है, ये भी बुफेलो का बोन फूट पता नहीं विद कट मार्क्स है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह होगी और आप सबको हमारे तरफ से राम राम जी। सुबह की चाय बन रही है और मैंने चाय पीना छोड़ दिया। मन्नू के पापा के लिए चाय बना रही हूँ। ये मन्नू आज स्कूल नहीं गया, घर पे ही है। हाँ जी बेटा, राम राम जी। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। मैं नौ बेटा बन गया। ओह, सो के उठा देखो उसके बाल कैसे खड़े हो गए। वैसे कैसे खड़े नहीं होते, उनका जब स्टाइल से खड़े हो गए। वही तो, जब कैमरा ऑन होता तब बाल उसके खड़े हो जाते हैं। वैसे बेचारा सोचता रहता कि बाल खड़े हो गए हैं। और अभी चाय हमारी रिज रिज कमली होगी। मनु का बाबा ऐसी ही चाय चाहिए होती है। मेरी रिच रिच कमली बोली नहीं होता। और ये मनु के लिए बादाम भी होते, खाना भूल जाता है। देखो ये कैसा लड़का है। ये चाय बन के हो गई है तैयार। लाइट बंद कर तो किचन दी मनु। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। गुड मॉर्निंग राम। चाय, अरे एक प्लेट रे पकड़ो ना, हाथ गिर जाएगा मेरा। हाथ गिर जाएगा मेरा। मतलब गिर जाएगी ट्रे हाथ से। किसकी चाय है? आपकी और मन्नू की है। बस मैंने बादाम को खाया। बादाम मैं दे देती हूँ छील के मन्नू को ना। मेरा गुड मॉर्निंग, राम राम जी। छोड़े राम राम जी। ये भी शोर मचा रही थी, इसको मैंने बोला बोल के बोल दूध, फिर एक्टिंग कर रही रोने की। बोल के बोल दूध, भाई बोल के मांग दूध कि मम्मा दूध दुला दो, तो फिर एक्टिंग कर रही करके ऐसे। ये देखिए लवण्या क्या कर रही है, अपने पापा को प्यार कर रही है। आई क्या कर रही है, हाय हाय। ये कैसे उनका मूड हो चुकी है। लब्बू क्या करता भाई, तू प्यार करता? डैडा का मूड तो उत्थे है। ये फोका फोकी पारी करती रहती है, फोकी किसी। देखो ये ऐसे करती रहती है। तो डैडा ने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, अब मम्मा के कपड़े कर रहे हैं। ये मम्मा का ऊपर का सूट कर दिया है, अब पजामा कर रहे हैं। डैडा जी आपको प्रेस करके कैसा लगता है? मुझको प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि मैं अच्छे से प्रेस करता हूँ। प्रेस में प्रेस में काम भी कर चुके हो। हाँ, इसलिए मैं प्रेस में। तो लंच वगैरह हमारा हो गया है और हम सब नहा धो के हो गए हैं तैयार और हम निकलने लगे हैं, कहीं जा रहे हैं मन्नू के पापा के साथ। तो वो देखिए मन्नू के पापा भी तैयार हो गए हैं, पूजा वगैरह कर दिया, नहा धो के सब तैयार। जय हिंद जय भारत। सो बोला ना? अच्छा पता नहीं। और मन्नू कहाँ चला गया? अच्छा, मन्नू वॉशरूम में गया हुआ है। लवण्या बिटिया रानी हमारी यहाँ पे लेटी हुई है। ये देखिए, इसको भी हमने तैयार कर दिया, क्यूटी सिपाही को। चलो बेटा उठो, आप ही चलो, आप ही चलो गड्डी से, उठ के बैठो। चलो लवण्या, चलो गड्डी नहीं गोदी चक्का। तो ये बोलती है मुझे गोद में उठाओ, बिना गोद उठाए मैं नहीं जाऊँगी कहती। तो ये आ गया है राम राम जी। राम राम जी, सवेर तो सिर्फ राम राम बोल रहे ना, कैसे ने? नहीं बार बार बोल रहे हो। अच्छा चश्मा साफ कर देते, चश्मा कितना गंदा है। अपने आप इसको चश्मे का पता चलता कि मेरे को चश्मा साफ रखना था, कितना गंदा गया चश्मा। क्यों नहीं देता, चश्मा उतार के देखा कर, सवेरे उठते सर साफ करा कर चश्मा। तू कितने बैग करते थे चढ़ के, वो गाड़ी भी चढ़ के बैठ गया मम्मी। अभी लोगों ने हंस रही है बाहर आते ही। खुश हुई मुकेम्बो, खुश हुआ। तो हम लोग निकल गए हैं घर से। ये देखिए लवण्या आज मेरे साथ आगे बैठी है, क्योंकि ये जाग रही है। जब ये नींद में होती है तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है साथ में ऐसे बैठना, ये पीछे लेट के ही जाती है। आज इसको अच्छा लग रहा है ना लवण्या, अच्छा लग रहा है? ओए सोगी क्या? जाग रही है लवण्या, कैसा लग रहा बेटा, अच्छा लग रहा है? अभी धूप के चक्कर में इसकी आंखें नहीं खुल रही है, बट क्या कहते हैं जाग रही है ये, अभी सोई नहीं। अगर सोएगी तो ये पीछे चली जाएगी। तो मन्नू बच्चू हमारा यहाँ बैठा है, ये मन्नू के पापा जी, अरे ये हूँ मैं और मेरी क्यूटी भाई लवण्या। भाई कुछ तो बोल दो बेटे, आज मैं आगे बैठी हुई। जब छोटी सी थी ना, क्या कहते हैं, मतलब
7-8 महीने की, नहीं ज़्यादा थी, साल की थी शायद, ना एक साल की थी। तो कहते हम पीजीआई हॉस्पिटल जाते थे लवन्या को लेके, ऐसे मैंने इसको आगे बैठाया। तो रात का टाइम था, गाड़ियाँ ना हमारी तरफ को आ रही थी इधर को, तो ये रोने लगी। इसको इतना डर लगा कि मतलब, और कांप रही थी गोद में, इतना पता कि गाड़ियाँ आ रही है। इसको ये लग रहा था कि गाड़ी हमारे बीच में लगेगी आगे, इसको ये नहीं पड़ता। अभी जैसे पीछे लटा दिया, पीछे बैठ गई सॉरी मैं साथ में ही, फिर भी रोती रही, हाथ पैर इसके कांप रहे थे। फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हुई। इतनी समझदार है, पर पता नहीं क्या हो गया। ये एक बारी इधर लेटी हुई थी, यहाँ से नीचे गिर गई। हाँ वही मन्नू भी सामने बैठा था और देखा तो पीछे पुट्ठी पड़ी है। मेरे को इतने इसने ना लात मारी, देख भी नहीं मैं नीचे गिर गई। और रोई नहीं, शोर नहीं मचाया कि मैं नीचे गिर गई हूँ। हेलो नहीं तो बहुत कलोली कलोली बच्चा हो रखा है ना, बहुत कलोली हो गया, बहुत कलोली। हाँ म्यूजियम में आए हैं घूमने, तो आप सबको भी म्यूजियम में घुमाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ म्यूजियम का इंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये हैं पुरानी पुरानी चीज़ें। ये कुछ है बुफेलो का, पता नहीं क्या है, थोड़ा कॉल करके दिखा। ये देखिए आप खुद ही पढ़ लो, ये बुफेलो का कुछ है, मुझे भी नहीं पता इतना, क्योंकि मैं वैसे चंडीगढ़ में रह के फर्स्ट टाइम आई हूँ। और ये है, ये भी बुफेलो का बोन फूट पता नहीं बिद कट मार्क्स है। अच्छा अच्छा, हड्डी उड्डी होएगी ना, है ना। और ये भी है कुछ बोनी, हाँ विद ए फाइन कट। और ये भी रखा हुआ है, पता नहीं ये क्या है, स्मॉल फ्लेक। और ये देखिए यहाँ पे, मैं आपको बस ऐसे जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, क्योंकि और भी बहुत बड़ा पत्थर नहीं है बेटा, ये तो ना एलिफेंट का है। ये देखिए एलिफेंट का, ये भी एलिफेंट का है कुछ। ये है हिप्पो, हिप्पोटोमस क्या है, हिप्पोटोमस, हाँ हिप्पोटोमस सॉरी, ये है हिप्पोटोमस टू कैनिन टीथ है उसका। हाई इतना बड़ा टीथ है ये, ओ क्या पता। हाँ ये एलिफेंट का टूथ है, एलिफेंट का। ये भी बुफेलो का लॉन्ग बोन ज्वाइंट है।